दोस्तों, बीते दिनों बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर को एक साथ स्पॉट किया गया था। रिपोर्ट में ये सामने आया था कि दोनों एक्टर मुंबई में प्रोड्यूसर जैकी बगनानी के ऑफिस में उनसे मिलने गए थे। इसके बाद मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। फैंस दावा कर रहे हैं कि दोनों एक्टर किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जैकी के पास गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बताया गया कि दोनों ने निमित मल्होत्रा में मधु मंटेना और डायरेक्टर नितेश तिवारी के साथ अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट रामायण को लेकर चर्चा की। रामायण का निर्माण मधु मंटेना और अलू अरविंद साथ ही साथ निमित मल्होत्रा कर रहे हैं, जिसे नितेश तिवारी और रवि उदय वार डायरेक्ट करेंगे। यह ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर के साथ उनकी पहली मुलाकात थी, जो रावण और भगवान राम की भूमिका के लिए बातचीत करने गए थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की विजन और यहां तक कि अगले साल की दूसरी छमाई के इस फ्लोर पर ले जाने की प्लानिंग पर भी चर्चा की। हालांकि रावण और भगवान राम की भूमिका के बाद सीता के कैरेक्टर के लिए किसी एक्ट्रेस को लॉक नहीं किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो प्रोड्यूसर मधु मंटेना ने जानकारी दी थी कि दिवाली के अवसर पर रामायण के कलाकारों के बारे में अनाउंसमेंट की जाएगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इसमें देरी हो सकती है। सूत्र ने कहा, टीम तीन मुख्य किरदार राम, रावण और सीता के कैरेक्टर की बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहती है। फिलहाल मेकर्स कई एक्टर्स से इसके लिए बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं कि फिल्म की अनाउंसमेंट कब होती है, क्योंकि सभी को इंतजार रहेगा रामायण की। कौन राम बनता है, कौन रावण, कौन सीता? वेल, आप किसे ये कैरेक्टर देना चाहेंगे, राम, रावण और सीता का? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।